नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैशबुक के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जर्नल क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, इसके बाद मैंने लेजर से आपको बताया था ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। इसके बाद हम लोग जो बनाने वाले हैं वो अब है कैशबुक। देखिए, कैशबुक जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का, और इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक का टारगेट है 1000। उम्मीद करता हूँ कि आप यह लाइक का टारगेट आसानी से अचीव करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कैशबुक। देखिए, कैशबुक क्या है? तो कैशबुक एक ऐसा बुक है, कैशबुक ऐसा बुक है जिसमें हम लोग कैश से संबंधित यानी रोकर से संबंधित जितना भी रिसिप्ट है, जितना भी पेमेंट है, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी कैश से संबंधित जितना हमारा ट्रांजेक्शन होगा उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैशबुक में, यानी रोकर बही। कैशबुक का हिंदी क्या है? रोकर बही। उसमें हम लोग रोकर से संबंधित जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन हो या पेमेंट का ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, अब देखिए कैशबुक होता कैसा है। तो कैशबुक जनरली होता है बुक है जिसमें फॉर्मेट दिया रहता है, उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, यह है कैशबुक। अब देखिए, मैं अपना लैपटॉप स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं और आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर कैशबुक होता क्या है। देखिए, ये देखिए कैशबुक। तो देखिए ये क्या कहता है, कैशबुक इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। यानी कैशबुक एक ऐसा बुक है जिसमें हम लोग कैश रिसिप्ट और कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज मेड ऑन डेली और मंथली बेसिस। यानी कैशबुक को हम लोग डेली बेसिस पर भी बना सकते हैं और मंथली बेसिस पर भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो मेरा है तीसरा, दिस इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, NPO हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कैशबुक मेंटेन करती है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो NPO भी मेंटेन करती है कैशबुक। इसके बाद देखिए क्या कहता है, आफ्टर मेंटेनिंग कैशबुक नो कैश ट्रांजेक्शंस आर मेंटेन्ड इन जर्नल। कैशबुक मेंटेन करने के बाद कोई भी कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ सकता है, वो है मेरा, कैशबुक और अल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैशबुक को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। क्या कैशबुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है? ये तो हो गया मैं बेसिक कि आखिर कैशबुक क्या होता है। कैशबुक एक ऐसा बुक है जिसमें हम लोग कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, चाहे वो कैश रिसिप्ट बैंक के थ्रू भी क्यों ना हो या बैंक के थ्रू भी, चेक के थ्रू भी कैश पेमेंट क्यों ना हो, उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैशबुक में। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग ये कर सकते हैं कि जो मेरा कैशबुक है उसमें या तो कैश से संबंधित ट्रांजेक्शन होगा या बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन होगा। क्या है? कैश से संबंधित या बैंक से संबंधित। तो मेरा जो टाइप्स ऑफ कैशबुक है, इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है मेरा टाइप्स ऑफ कैशबुक। टाइप्स ऑफ कैशबुक,
तो देखिए तीन तरह के कैशबुक होते हैं। कितने तरह के कैशबुक होते हैं? तीन तरह के। सबसे पहला कैशबुक सिंगल कॉलम कैशबुक, दूसरा है मेरा डबल कॉलम कैशबुक, और तीसरा है मेरा ट्रिपल कॉलम कैशबुक। पहला क्या? सिंगल कॉलम कैशबुक, यानी इसमें केवल एक ही कॉलम होगा, कैश का कॉलम होगा। क्या होगा? एक ही कॉलम, कैश का कॉलम। डबल कॉलम कैशबुक जो है उसमें मेरा दो कॉलम होगा, एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए। और जो मेरा तीसरा जो कैशबुक है वो है मेरा ट्रिपल कॉलम कैशबुक, यानी इसमें तीन कॉलम होगा, पहला कैश के लिए, दूसरा बैंक के लिए, और तीसरा जो होगा मेरा वो होगा डिस्काउंट के लिए। ट्रिपल कॉलम कैशबुक में कैश होगा, बैंक का कॉलम होगा और डिस्काउंट का कॉलम होगा। डबल कॉलम कैशबुक में कैश का कॉलम होगा और बैंक का कॉलम होगा, और सिंगल कॉलम कैशबुक में केवल कैश का ही कॉलम होगा, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का। तो ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ कैश बैलेंस कैशबुक। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बारी बारी से तीनों को बताऊँगा। पहले सिंगल कॉलम कैशबुक, फिर इसके बाद डबल कॉलम कैशबुक, इसके बाद ट्रिपल कॉलम कैशबुक। ये बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है मेरा सिंगल कॉलम कैशबुक। क्या है मेरा? सिंगल कॉलम कैशबुक। तो चलिए चलते हैं सिंगल कॉलम कैशबुक को समझने, आखिर सिंगल कॉलम कैशबुक क्या होता है और इसे हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो आपको ट्रांजेक्शन दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि सिंगल कॉलम कैशबुक प्रिपेयर करिए, बनाइए। तो इससे पहले समझ तो ले कि आखिर कैशबुक का फॉर्मेट क्या होता है, कैशबुक कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका कुछ तो फॉर्मेट होगा। तो वो फॉर्मेट सीखेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं जो पहला जो कैशबुक है वो मेरा क्या है? सिंगल कॉलम कैशबुक। क्या है? सिंगल कॉलम कैशबुक, यानी इसमें केवल एक ही कॉलम होगा जो कि कैश के लिए होगा। इसमें बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी एंट्री इसमें हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंगल कॉलम कैशबुक, देखिए इन सिंगल कॉलम कैशबुक ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सिंगल कॉलम कैशबुक में कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डे टू डे लिखते हैं हम लोग। इसका जो फॉर्मेट है वो समझिए, क्योंकि इस फॉर्मेट के आधार पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये जो देखिए कैशबुक का फॉर्मेट, देखिए सबसे ऊपर में हम लोग लिख देंगे क्या? कैशबुक, और इसका लेफ्ट साइड जो होगा वो डेबिट साइड होगा, और इसका राइट साइड जो होगा वो क्रेडिट साइड होगा। लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। और इसको हम लोग लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो कॉलम होगा वो डेट होगा, इसके बाद रिसिप्ट्स होगा, तीसरा लेजर फोलियो कॉलम है, चौथा अमाउंट का कॉलम है, और उसी तरह से राइट साइड में भी है, पहला डेट का कॉलम, दूसरा पेमेंट्स का कॉलम, तीसरा लेजर फोलियो का कॉलम और चौथा अमाउंट का कॉलम। यानी डेबिट साइड में चार कॉलम और क्रेडिट साइड में चार कॉलम। डेबिट साइड में चार कॉलम कौन? डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड में चार कॉलम, डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो और अमाउंट, ये है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर जो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कैशबुक मेंटेन करती है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो कैशबुक मेंटेन होता है वो कैशबुक दिखता कैसा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कैशबुक सुनते होंगे लेकिन कैशबुक को आज तक देखा नहीं है। कैशबुक होता कैसा, उसमें एंट्री कैसे करते हैं? तो असली कैशबुक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कैशबुक देखिए, ये देखिए कैशबुक जो है मेरा कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए ये है कैशबुक, ये मेरा कैशबुक है। देखिए इसमें जैसे दो साइड है, एक लेफ्ट साइड बायां साइड और एक दाहिना साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसिप्ट, देख रहे हैं ना, रिसिप्ट साइड है ये, और राइट साइड जो है वो मेरा पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड में देखिए इसमें भी सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है डेट का, दूसरा कॉलम जो है वो मेरा है पार्टिकुलर्स का। इसको मैं और जूम करता हूँ, हाँ देखिए
ये पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का, और चौथा कॉलम ये जो है मेरा अमाउंट है। चौथा कॉलम क्या है? अमाउंट। अमाउंट के नीचे लिखा हुआ रुपीज और पैसे। इसके बाद टोटल किया हुआ है, टोटल में भी वही रुपीज और पैसे हैं। इसके बाद ये तो हो गया रिसिप्ट साइड, और इसके राइट साइड जो है पेमेंट साइड, उसमें पहला कॉलम देखिए ये है डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम अमाउंट का, अमाउंट में है रुपीज और पैसे, और इसके बाद टोटल, टोटल में क्या है? टोटल में भी वही रुपीज और पैसे है। ये देखिए यही है कैश बुक, और कैश बुक को आप आसानी से खरीद सकते हैं, बाजार में उपलब्ध है। अब मैं वापस इस पर आता हूँ। तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट, कैश बुक क्या है, कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है, और इसमें इंट्री कैसे करते हैं, इसमें हम लोग लिखते कैसे हैं ट्रांजेक्शन को। देखिए समझिए जरा सा, इसका जो डेबिट साइड है वो है रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड है वो है पेमेंट साइड। तो कोई भी कैश रिसिप्ट, ऐसा ट्रांजेक्शन जो रिसिप्ट के नेचर का, कैश रिसिप्ट के नेचर, उसको हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और कैश पेमेंट को हम लोग लिखेंगे पेमेंट साइड में, यानी दाहिने पक्ष में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कैश सेल्स, इसे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। कैश परचेज क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पेमेंट टू मोहन पेमेंट साइड में लिखेंगे। विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉवल हुआ, हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। इस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे और उसे हम लोग रिसिप्ट या पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं एक इलस्ट्रेशन आपको समझाता हूँ जिसे आप अच्छे से समझिए, और वो इलस्ट्रेशन समझने के बाद आप यह अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर कैश बुक में कैसे एंट्री किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाने वाला हूँ। ये देखिए मेरा इलस्ट्रेशन नंबर वन है, ये देखिए इलस्ट्रेशन, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। क्वेश्चन क्या है? डेट और डिटेल्स दिया हुआ है, तीसरा है अमाउंट। डेट है 2017 नवंबर 1, कैश इन हैंड 35,000, यानी 1 नवंबर को कैश बैलेंस 35,000 है। इसके बाद नवंबर 4 के डेट में है ट्रांजेक्शन कैश रिसिप्ट फ्रॉम सिमरन 14,000। नवंबर 8 को है इंश्योरेंस पेड 5,000। नवंबर 13 को है परचेज फर्नीचर 11,500। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, हमें कैश बुक बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, ये देखिए कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट तो यही हो गया, डेबिट साइड में 4 कॉलम डेट रिसिप्ट लेजर फोलियो और अमाउंट का, और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम, पहला डेट, दूसरा पेमेंट, तीसरा लेजर फोलियो और चौथा अमाउंट। तो देखिए डेबिट साइड में हम लोग सबसे पहले एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्या, नवंबर 1 को जो मेरा कैश इन हैंड है, कैश बैलेंस जो मेरे पास 35,000 है महीना के शुरू में, उसे हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो इसे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। किस साइड में लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। तो डेट हो जाएगा मेरा वही कितना, 1 नवंबर। तो हम लोग डेट लिख देते हैं 1 नवंबर, ठीक है। अब रिसिप्ट साइड में हम लोग लिखेंगे क्या, बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी, बड़ा उटडाउन, एलएफ में कुछ नहीं, और अमाउंट, अमाउंट में हम लोग लिखेंगे कितना, 35,000। अमाउंट में लिखेगा 35,000। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन जो है वो मेरा है नवंबर 4 को। नवंबर 4 को क्या है?
कैश रिसीव्ड फ्रॉम सिमरन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सिमरन यानी कैश सिमरन से मुझे पैसा मिला है, यानी रिसिप्ट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे। कितना मिला है? 14,000 नवंबर 4 को। तो डेट हम लिख देते हैं नवंबर 4, रिसिप्ट्स में क्या लिखेगा? सिमरन, चूंकि सिमरन से मिला है। अमाउंट कितना? अमाउंट हो जाएगा 14,000। इसके बाद देखिए तीसरा जो है मेरा, नवंबर 8 को इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया, ये पेमेंट है, तो इसको पेमेंट साइड में लिखेगा। कितना का? 5,000 रुपये का। तो नवंबर 8 क्रेडिट साइड में, नवंबर 8 पेमेंट में क्या लिखेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 5,000 रुपये। अब इसके बाद आगे का ट्रांजेक्शन है नवंबर 13 को है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया गया यानी पेमेंट हुआ, कैश पेमेंट 11,500 का। तो हम पेमेंट साइड में लिखेगा, डेट हो जाएगा नवंबर 13, फर्नीचर अमाउंट 11,500। इसके बाद देखिए नवंबर 16 को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा गया नगद 30,000 का। तो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में लिखेगा नवंबर 16। सेल्स कितना रुपये से? 30,000 से। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज इन कैश, तो कितना हो? नवंबर 17 के डेट में, किस डेट में? नवंबर 17 के डेट में 15,800। तो नवंबर 17 ये पेमेंट है चुकी, नवंबर 17, तो इसलिए पेमेंट साइड में लिखेगा परचेज। कितना अमाउंट है? 15,800। इसके बाद परचेज स्टेशनरी 2,200 नवंबर 20 के डेट में, तो पेमेंट साइड में लिख देते हैं, डेट है नवंबर 20, स्टेशनरी परचेज किया गया, तो स्टेशनरी अमाउंट हो जाएगा 2,200। इसके बाद कैश पेड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 15,500 सुनीता को पेमेंट किया गया, तो पेमेंट साइड में लिख देगा नवंबर 24 सुनीता, कितना अमाउंट से? 15,500। इसके बाद जो है ट्रांजेक्शन वो है सोल्ड गुड्स टू कोमल फॉर कैश, सेल्स किया गया, कैश सेल्स है 20,000 का, तो रिसिप्ट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे नवंबर 27 के डेट में, नवंबर 27 के डेट में सेल्स, बीस हज़ार अमाउंट से। इसके बाद नवंबर 30 को है मंथली रेंट
रेंट पेड किया गया तो पेमेंट साइड में लिख देगा 3000, डेट हो जाएगा नवंबर 30 महीना के अंत में, रेंट 3000। अब इसके बाद है सैलरी पेड किया गया 30 नवंबर को ही 4000 रुपया, तो पेमेंट साइड में वही 30 नवंबर ही रहेगा, सैलरी 4000 रुपया। इसके बाद है डिपॉजिटेड इन बैंक, 30 नवंबर को बैंक में डिपॉजिट किया गया 10000 रुपया, तो ये पेमेंट है 30 नवंबर को ही लिख देगा क्या बैंक, कितना 10000 रुपया। अब इसके बाद है क्या कोई ट्रांजेक्शन? नहीं, इसके बाद नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इतना करने के बाद हमें करना पड़ता है बैलेंसिंग। क्या करना पड़ता है? बैलेंसिंग, यानी मैंने ट्रायल बैलेंस में आपको बताया था, लेजर के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, वैसे ही इसमें भी करेंगे। रिसिप्ट साइड का पूरा जोड़ लेंगे और उसमें से हम लोग घटा देंगे पेमेंट साइड का टोटल, जो बैलेंस आएगा वही मेरा बैलेंस बचेगा, कैश बैलेंस बचेगा महीना के अंत में, यानी उतना रुपया मेरे पास बचा महीना के अंत में। देखते हैं कितना बच रहा है। रिसिप्ट साइड में देखिए 35000 है, 14000 है, 30000 है और 20000 है, सबको जोड़ते हैं। पैंतीस हजार प्लस 14000 प्लस 30000 प्लस 20000, तो ये मेरा है 99000। सेम अमाउंट हम लोग क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में लिख देते हैं, सेम अमाउंट 99000। और इसमें से हम लोग पेमेंट साइड का टोटल घटा देंगे, यानी पेमेंट साइड में जितना भी है उस सबको हम लोग घटा देंगे 99000 में से, तो कितना हो जाएगा? 99000 में से हम लोग घटा रहे हैं पहला 5000, दूसरा 11500, फिर 15800, 2200, 15500, 3000, 4000 और 10000, तो मेरा है 32000। कितना है? 32000, यही मेरा बैलेंस है महीना के अंत में, कैश बैलेंस 32000 है, 32000 रुपया अभी बचा हुआ है महीना के अंत में। इसे हम लोग लिखते हैं क्या? बैलेंस सीडी, और डेट हो जाएगा नवंबर 30 ही, नवंबर 30। और जो 32000 बैलेंस बचा उसको अगले महीना के 1 तारीख को हम लोग ब्राउट डाउन करेंगे, यानी उसी को आगे ले जाएगा, दिसंबर 1 को लिखेंगे बैलेंस बीडी, बत्तीस हजार। इस तरह से मेरा कैशबुक बन गया, सिंगल कॉलम कैशबुक, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। रिसिप्ट साइड का रिसिप्ट साइड में, पेमेंट साइड का पेमेंट साइड में डाल दे, केवल कैश ट्रांजेक्शन ही रहेगा, बैंक ट्रांजेक्शन से इसमें मतलब नहीं है, तो ये सिंगल कॉलम कैशबुक बन गया। अभी तक मैंने आपको बताया कैशबुक कैसे बनाया जाता है, सिंगल कॉलम कैशबुक कैसे बनाया जाता है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैशबुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाता है, कैशबुक से हम लोग लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और इसमें जो जो अकाउंट है, जो जो लेजर अकाउंट है उसे मैं प्रिपेयर करूँगा। जैसे देखिए सिमरन का, सेल्स का, इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्नीचर परचेज, स्टेशनरी, सुनीता, रेंट, सैलरी, ये सब। तो मैं बारी बारी से एक एक करके लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं कर रहा हूँ सिमरन का, तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए लेजर का फॉर्मेट पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ सिमरन, सिमरन्स अकाउंट। यहाँ देखिए कैशबुक का जो डेबिट साइड होगा वो हम लोग पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और कैशबुक के क्रेडिट साइड को हम लोग पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में। यही नियम आप फॉलो करते हुए बना सकते हैं। जैसे देखिए कैशबुक के डेबिट साइड में सिमरन 14000, तो इसे हम
सिमरन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड डेट हो जाएगा नवंबर 4 और पार्टिकुलर्स में लिखे है क्या, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश कितना, यहाँ पर जेएफ है, ये कॉलम जो है जेएफ या सीबी, सीबी यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टिंग होगा वो या तो जर्नल बुक से, जर्नल जर्नल से हो सकता है, यहाँ पर जो पोस्टिंग होगा वो या तो जर्नल से होगा या कैश बुक से होगा। तो अगर जर्नल से हुआ तो जर्नल फोलियो नंबर डलाएगा यहाँ पर, अगर कैश बुक से हुआ तो कैश बुक का नंबर यहाँ पर डलाएगा। तो यहाँ पर कैश बुक से हुआ है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 14,000, तो हम लिख देगा 14,000। इसके बाद देखिए सिमरन का और कहीं पर है, सिमरन सिमरन है कहीं पर, नहीं सिमरन नहीं है, तो ये इसमें हो गया। अब इसके बाद अगला अकाउंट मैं बनाता हूँ वो सेल्स का है, क्या है, सेल्स, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कैशबुक के डेबिट साइड में है, तो हम लोग सेल्स अकाउंट जब बना रहे हैं तो उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेगा। डेट है नवंबर 16, नवंबर 16 बाई कैश अमाउंट हो जाएगा 30,000। इसके बाद सेल्स है नवंबर 27 को 20,000 का, तो डेट में लिखते हैं नवंबर 27 बाई कैश अमाउंट हो जाएगा 20,000। अब सेल्स है कहीं पर, नहीं, तो ये हो गया मेरा सेल्स अकाउंट। अब इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाना है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिख देते हैं हेडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम कैशबुक के क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेगा। कितना, 5,000 रुपये से नवंबर 8 को, डेट है नवंबर 8, पार्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश, अमाउंट हो जाएगा 5,000। ये हो गया मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद है फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट मैं बना लेता हूँ, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट यहाँ कैशबुक के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे नवंबर 13 के डेट में, नवंबर 13 के डेट में 11,500 से, पार्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश 11,500। जो भी लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है वो कृपया ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फर्नीचर अकाउंट हो गया, इसके बाद परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में बना लेता हूँ, परचेज अकाउंट कैशबुक के क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे कितना से, 15,800 से। डेट हो जाएगा नवंबर 17 टू कैश 15,800, ये बन गया मेरा परचेज अकाउंट। अब इसके बाद स्टेशनरी अकाउंट बनाने है मुझे, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट,
डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। डेट है मेरा नवंबर 20, 2200 रुपया से टू कैश 2200। इसके बाद जो मेरा अकाउंट है वो है सुनीता, सुनीता अकाउंट। डेबिट साइड में डेट लिखते हैं कितना, नवंबर 24, पर्टिकुलर्स में टू कैश, अमाउंट में हो जाएगा 15,500। अब इसके बाद जो है मेरा वो है रेंट, रेंट अकाउंट बनाना है। तो रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। डेट हो जाएगा नवंबर 30, पार्टिकुलर्स में लिखते हैं टू कैश, अमाउंट में लिखा है 3,000। इसके बाद है मेरा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट पोस्टिंग, सैलरी अकाउंट डेट हो जाएगा नवंबर 30, पार्टिकुलर्स में लिखेगा टू कैश, अमाउंट 4,000 हो गया। अब इसके बाद मेरा लास्ट है बैंक, क्या है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। डेट नवंबर 30, टू कैश, अमाउंट 10,000। अब कोई अकाउंट नहीं है बनाने का। तो इस तरह से मेरा कैशबुक से लेजर में पोस्टिंग हो गया। बड़ा आसान है, कैशबुक का जो डेबिट साइड होगा उसे हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में, कैशबुक के क्रेडिट साइड को हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में। यही नियम को फॉलो करते हुए आप लेजर अकाउंट बना सकते हैं कैशबुक से। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कैशबुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है सिंगल कॉलम वाला, और कैशबुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डबल कॉलम कैशबुक क्या होता है और डबल कॉलम कैशबुक हम लोग कैसे बनाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।